दोस्तों, अक्सर हमने टीवी सीरियलों में देखा है कि जब भी कोई एक्ट्रेस शादी करती है तो वो अपने परिवार के साथ घर या फिर किसी एक्सपेंसिव होटल में जाकर शादी करती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि टीवी सीरियलों में नजर आई वही एक्ट्रेस रियल में भी बहुत एक्सपेंसिव और धूमधाम से शादी करती है, जिसके लिए वो एक शानदार होटल या बैंक्वेट को अपना वेडिंग प्लेस चुनती है। ऐसा ही टीवी की कुछ शादीशुदा एक्ट्रेस ने किया है, जिन्होंने शादीशुदा होने से पहले अपने होने वाले पति के साथ 7 फेरे लिए थे एक सुंदर सी वेडिंग डेस्टिनेशन पर। तो इसीलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको टीवी की 6 खूबसूरत अभिनेत्रियों के वेडिंग प्लान्स के बारे में बताएंगे कि उनकी शादी कहाँ और किस जगह पर हुई है। तो फिर चलिए एक एक करके जानते हैं उन 6 अभिनेत्रियों के वेडिंग प्लेस के बारे में। नंबर 1 पर है रुबीना दिलाइक। सबसे पहले हम बात करते हैं टीवी की सबसे मशहूर अदाकारा रुबीना दिलाइक के बारे में, जिन्होंने पूरे हिंदू रीति रिवाजों के साथ एक्टर अभिनव शुक्ला से 21 जून 2018 को शिमला के वुडविल पैलेस होटल में शादी की है। आपको बता दें कि उनकी शादी सबसे एक्सपेंसिव शादी थी, जहां वो अपनी शादी में व्हाइट जोड़ा पहने हुए काफी खूबसूरत नजर आई थी। नंबर 2 पर है अनीता हसनंदानी। हमारी इच्छाधारी नागिन शेषा यानी कि अनीता हसनंदानी की शादी की अगर बात करें तो उन्होंने 14 अक्टूबर 2013 को बिजनेसमैन रोहित रेड्डी से गोवा के गोल्डन ऑर्चिड बैंक्वेट में शादी की थी, जहां उन्होंने अपने हमसफर रोहित रेड्डी के नाम का मंगलसूत्र अपने गले में पहना था। आपको बता दें कि अनीता का वेडिंग प्लेस काफी शानदार था, जो कि पूरे लाइटिंग के साथ डेकोरेट किया गया था। नंबर 3 पर है कृतिका सेंगर। पुनर्विवाह और कसम तेरे प्यार की जैसे सीरियल में काम करके फेमस हुई अभिनेत्री कृतिका सेंगर ने एक्टर निकेतन धीर से 3 सितंबर 2014 को मुंबई के ITC मराठा होटल में शादी की थी। आपको बता दें कि उस होटल की डेकोरेशन काफी परफेक्ट तरीके से की गई थी, साथ ही उसमें लगे बड़े बड़े झूमर की लाइटिंग से वो होटल पूरा राजमहल की तरह एक्सपेंसिव और शानदार लग रहा था। नंबर 4 पर है दिव्यंका त्रिपाठी। टीवी की मशहूर अदाकारा दिव्यंका त्रिपाठी को कौन नहीं जानता, जिनकी शादी सिर्फ शानदार ही नहीं बल्कि काफी लग्जूरियस रही थी। आपको बता दें कि दिव्यंका ने एक्टर विवेक दाहिया से 8 जुलाई 2016 में अपने होम टाउन भोपाल में शादी करके उनके नाम का मंगलसूत्र अपने गले में पहना था। वहीं उसी होटल की डेकोरेशन काफी जबरदस्त और शानदार रही थी, जहां उन्होंने अपनी शादी में अपने करीबियों को इनवाइट किया था। नंबर 5 पर है दिशा परमार। बड़े अच्छे लगते हैं 2 में नजर आ रही खूबसूरत अभिनेत्री दिशा परमार की भी हाल ही में शादी हुई है, जिन्होंने सिंगर राहुल वैद से 16 जुलाई 2021 में मुंबई को द ग्रैंड हयात होटल में पंजाबी रीति रिवाजों के साथ शादी रचाई है। और वो वेडिंग प्लेस काफी एक्सपेंसिव रहा है, जहां इन्होंने अपनी शादी में करोड़ों रुपए खर्च किए थे। नंबर 6 पर है श्रद्धा आर्या। दोस्तों, जैसा कि आपको अच्छे से पता होगा कि हंसमुख एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या अब जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाली हैं, जिसके चलते उन्होंने न्यू दिल्ली के अंदाज होटल एयरोसिटी को बुक भी कर लिया है, जो कि सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि काफी महंगा भी है, जहां पर इनकी शादी 16 नवंबर को बड़ी ही धूमधाम से संपन्न हो चुकी है। वेल, दोस्तों, आपको टीवी की इन अभिनेत्रियों में किसकी शादी सबसे अच्छी लगी है, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।